हूँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सर्दियाँ आ गई हैं और पिछली सर्दियों में जो कंबल हमने इस्तेमाल किए थे उनको बगैर धोए बगैर ड्राई क्लीन किए हमने अलमारियों के अंदर पेटियों के अंदर बंद करके रख दिया था और भूल गए थे कि अगली सर्दियों में देखा जाएगा। अच्छा, मेरे पास ऐसे 4 कंबल है, डबल प्लाई के हैं, डबल बेड के हैं, तो इनको मैं इसी तरीके के साथ ड्राई क्लीन करूंगी जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, इस कंबल को ड्राई क्लीन करने का एक ऐसा यूनिक तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ना तो आपको इस कंबल को गीला करना पड़ेगा, ना आपको सर्फ की जरूरत पड़ेगी, ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। सिर्फ आपके 20 रूपए लगेंगे और 20 मिनट के अंदर आप इस कंबल को एकदम बाजार से भी अच्छा ड्राई क्लीन घर पर कर सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है, आइए देखते हैं। तो हमने ड्राई क्लीन करना है उसको हम बेड के ऊपर अच्छी तरह से बिछा लेंगे। अगर जमीन के ऊपर बिछाना है तो नीचे लाजमी चटाई बिछाएं ताकि मजीद कंबल गंदा ना हो। ड्राई क्लीन करने से पहले आपको मैं अपना कंबल दिखा लूं, बहुत ज्यादा मैला हो रहा है और मैल की वजह से इसके बाल जो है ना आपस में चिपके हुए हैं और कंबल बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। मैले से मैले बदबूदार कंबल को मिनटों में ड्राई क्लीन करने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए, इसके अंदर से जर्म्स को खत्म करने के लिए हमने अपने किचन से एक बहुत ही पावरफुल चीज उठा ली है, वो है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आपने यहाँ पर नहीं करना। अब हम लेंगे टी स्टेनर, इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा और अपने पूरे कंबल के कोने कोने के ऊपर इसको इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे। टी स्टेनर की हेल्प से जल्दी भी हो जाएगा और आसानी भी रहेगी। अच्छा, जो हमारे कंबल के कोने होते हैं ना, हम वहीं से पकड़कर कंबल को इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार हमारे गंदे हाथ होते हैं, कभी कभार इसको बच्चे मुंह में भी लेते हैं, तो जो कंबल के कोने होते हैं ना वो ज्यादा गंदे हो जाते हैं, तो उनके ऊपर आपने अच्छी तरह से इस तरह से बेकिंग सोडा को स्प्रिंकल करना है। पूरे कंबल के ऊपर अच्छी तरह बेकिंग सोडा हमने स्प्रिंकल कर दिया है। अब अपने हाथों की हेल्प से इसको अच्छी तरह पूरे कंबल पर फैलाएंगे ताकि ये बालों के अंदर तक चला जाए और जितनी भी मैल जम्स बदबू है उसको साफ कर सके। पहले इस कंबल के बाल बहुत ही ज्यादा सख्त थे, अभी एकदम ये सॉफ्ट हो गए। कंबल के जो कोने होते हैं जहां पर कपड़ा लगा होता है वहां पर बहुत मैल होती है, यहां अच्छी तरह मसलना है आपने ताकि मैल साफ हो सके। उसके बाद हमने लेना है कपड़े धोने वाला ब्रश। कपड़े धोने वाले ब्रश को हम इस तरह नहीं फेरेंगे जिस तरफ कंबल के बाल बैठ जाते हैं, ऐसे फेरेंगे तो कंबल के अंदर जितनी भी मैल है गंदगी है वो अंदर जमा हो जाएगी, बैठ जाएगी, बल्कि जिस तरफ कंबल के बाल खड़े होते हैं ना उस तरफ हम ब्रश को फेरेंगे तो जितनी भी मैल होगी, जम्स होंगे, बदबू होगी, धूल मट्टी होगी वो एकदम साफ हो जाएगी और आपका कंबल हैरत अंगेज तरीके से एकदम हल्का फुल्का साफ शफाफ और सॉफ्ट हो जाएगा। इस ब्रश को हमने पूरे कंबल के ऊपर कोनों के ऊपर कोई जगह हमने छोड़नी नहीं है, अच्छी तरह से घुमा लेना है और उसके बाद हमने क्या करना है कि इस कंबल को इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट छोड़ने के बाद एक बॉल के अंदर नीम गरम पानी लेंगे, पानी इतना गरम होना चाहिए जिसको हमारे हाथ बर्दाश्त कर सके, ठंडा पानी हमने बिल्कुल नहीं लेना। अब हम इसके अंदर डालेंगे व्हाइट विनेगर जो खानों के अंदर इस्तेमाल होता है, ये हमारे कंबल के अंदर जितने भी जम्स होते हैं, मैल होती है, दाग होते हैं, चिकनाई होती है उसको मिनटों में साफ करता है। 3 चम्मच हमने सफेद सिरका के लिए, उसके बाद जो भी ब्लीच आप सफेद कपड़ों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका 1 ढक्कन आपने इसके अंदर डालना है। अब हमने सर्फ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि सर्फ कपड़ों से निकालना मुश्किल हो जाता है, बल्कि जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उसका 1 चम्मच भरकर आपने इसके अंदर डालना है। वो कंबल को सॉफ्ट बनाता है और उसकी बदबू को खत्म करता है। अब ये हमारा पावरफुल ब्लैंकेट क्लीनर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ व्हाइट कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। व्हाइट कपड़ा मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकूं कि कंबल के अंदर से किस कदर मैल निकलती है। अब आपने इसको हल्के हाथ से निचोड़ना है, बल्कि इसके अंदर कुछ पानी रहने देना है, बिल्कुल भी सूखा आपने इसको नहीं निचोड़ना। उसके बाद आपने कोई भी पतीली का ढक्कन ले लेना है, चाहे कांच का हो, सिल्वर का हो, स्टील का हो, बस लिड वाला होना चाहिए जिसको आप इजीली पकड़कर इस कंबल को क्लीन कर सके। अब हमने इसको कपड़े के अंदर रखना है, कपड़े को इस तरह से हम ऊपर से बांध देंगे और हमारा ये एक मजबूत सा औजार तैयार हो गया है जिसके साथ हम अपने कंबल को बेड पर बैठकर बहुत ही आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। अब इसको भी हम उसी तरफ घुमाएंगे जिस तरफ कंबल के बाल खड़े होते हैं, अच्छी तरह से पूरे कंबल के ऊपर जब आप इसको घुमाएंगे, जो हमने पावरफुल पानी तैयार किया है, जितनी भी आपके कंबल के अंदर मैल होगी, धूल होगी, बदबू होगी, दाग धब्बे होंगे उसको ये मिनटों में साफ कर देगा। लाइव प्रूफ के साथ आपको मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कि कपड़े के अंदर, कंबल के अंदर जितनी भी गंदगी थी, मैल थी, वो निकल आई है। अब हम क्या करेंगे कि इस कपड़े को बार बार इस पानी के अंदर धोते जाएंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे,
जाएंगे, धोते जाएंगे, जो जो ये कपड़ा गंदा हो जाएगा बार बार हम इसको धोते जाएंगे। और अगर आपका कंबल ज्यादा गंदा है तो आप इस पानी को चेंज भी कर सकते हैं एक दो बार, और फिर इस तरह से आपने इसको क्लीन करना है कोनों के ऊपर से, अच्छी तरह से आपने इसको घुमाना है जिस तरफ कंबल के बाल खड़े होते हैं। सेम यही प्रोसेस आपने कंबल की दूसरी साइड पर भी करना है। ये मेरा डबल प्लाई का कंबल है, इसको मैं एक तरफ से पहले इस तरह से साफ करूंगी, फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी मैं अपने कंबल को साफ कर लूंगी। ये देखें, दूसरी बार भी कपड़े के अंदर इतनी मैल निकली है, मतलब हमारा कंबल साफ हो गया। अच्छा, है अभी मैंने कंबल साफ कर लिया है, पानी देख सकते हैं कितना ज्यादा गंदा हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो कंबल है ना वो अच्छे तरीके के साथ ड्राई क्लीन हो गया है। ये देखें कंबल के अंदर से कितनी ज्यादा मैल निकली है। इस पानी को हम फेंक देंगे। अब बोल के अंदर मैं साफ पानी इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जब हम कपड़ों को धोते हैं तो उनको साफ पानी से नहीं निकालेंगे ना, तो उनके अंदर से सर्फ साबुन नहीं निकलता। इसी तरह से हम इस कपड़े को इस साफ पानी के अंदर डिप करके इस कंबल के ऊपर फेरेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी शैम्पू, विनेगर और सोडा है वो निकल जाए। साफ पानी में टॉवल को डिप करने के बाद हम हल्का सा इसको निचोड़ेंगे और थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रहने देंगे, और सेम पहले तरीके की तरह हम इसको इस तरह से कोई भी कैप अंदर इसके डाल के पूरे कंबल के ऊपर फेरेंगे। जो शैम्पू हमने डाला, वाइट विनेगर डाला, मीठा सोडा डाला, या जो भी थोड़ी बहुत मैल कुचैल रह गई है ना, वो इस तरह से साफ पानी के साथ अच्छी तरह से निकल जाएगी। कंबल तो हमारा साफ हो ही गया है, लेकिन इस तरह से हमारा कंबल पाक भी हो जाएगा। ब्लैंकेट को मैंने साफ पानी के साथ अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इस ब्लैंकेट को ड्राई क्लीन करने से पहले भी मैंने आपको दिखाया था, और अब ये ड्राई क्लीन हो चुका है। इतने अच्छे तरीके से क्लीन हुआ है कि कमाल ही हो गया है। कंबल के अंदर जितने भी दाग धब्बे सालन के हों, चाय के हों, दूध के हों, या छोटे बच्चे कभी कभार सूसू भी कर देते हैं, अपना फीडर भी गिरा देते हैं, किसी भी किस्म के दाग धब्बे हो ना, आप जब इस तरह से उसको ड्राई क्लीन करेंगे तो आपका कंबल जितना भी पुराना हो, जितना भी गंदा हो, इस तरह से एकदम नए के नए जैसा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा एक कंबल तो ड्राई क्लीन हो गया है, इसको हम रात को ओढ़ लेंगे। बाकी तीन कंबल रह गए हैं, उनको भी मुझे ड्राई क्लीन करना है। पिछले साल यही तरीकाकार अपनाते हुए कंबल को ड्राई क्लीन करने की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से लोगों ने मुझे कॉमेंट करके दुआएं भी दी और बोला कि ये आसान तरीका है कंबल को ड्राई क्लीन करने का। एक तो पैसों की बचत हो जाती है, दूसरी बात ये कि हमारे इलाकों में पानी की किल्लत है जिसकी वजह से हम कंबल को धो नहीं सकते। तो सब बहुत खुश हुए कि आपने हमारे साथ आसान तरीन तरीका शेयर किया है कंबल को ड्राई क्लीन करने का। अच्छा जी, ये तो हुई मेरी वीडियो की, मेरे तरीकेकार की तारीफ। अब इस कंबल को सुखाना कैसे है? अगर आपके पास बाहर धूप है या खुली जगह है, आप कंबल को सुखा सकते हैं तो ठीक है। अगर आपके पास जगह नहीं है ऐसी, तो कोई मसला नहीं। बेड के ऊपर कंबल बिछा हुआ है ना, जहां पर हमने इसको साफ किया है, 15-20 मिनट या आधा घंटा आप पंखा चला दें, एक तरफ से सूखने दें, 15-20 मिनट दूसरी तरफ से सूखने दें, तो आपका कंबल जो है ना एकदम ऊपर ओढ़ने के लिए, सर्दी से बचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, मतलब कि सूख जाएगा। अगर आप इसी तरह की वीडियोज मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं चाय वगैरह पीती हूँ क्योंकि थक भी गई हूँ और शाम का टाइम हो गया है। आपसे चाहूंगी इजाजत, मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।